Hey guys, welcome back to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So today I have Bipin and Shataj. So इनसे आप पुरानी videos में already मिल चुके हैं. We are a property consulting firm wherein we provide one-stop solution to all the home buyers looking for flat in Noida and Greater Noida region. इस वीडियो के अंदर आज आप देखेंगे Ace Divino. ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इसको हम ऑलरेडी मल्टीपल वीडियोस में कवर कर चुके हैं. हर 6 मंथ के अंदर आपने इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक वीडियो देखी होगी जिसके अंदर एक नई अपडेट और एक नया फ्लैट आपने देखा होगा. तो पास्ट वीडियोस में आपने इसकी 3 और 4 BHK की वीडियोस अलग अलग वीडियोस में देखी हैं, बट इस वीडियो के अंदर वी वुड बी डूइंग अ कंपैरिजन फॉर 3 एंड 4 BHK, जिसके अंदर आप अगर 3 BHK में इंटरेस्टेड हैं तो आपको क्या ऑप्शंस मिलते हैं, अगर आप 4 BHK में अपग्रेड करते हैं तो वहाँ पर क्या डिफरेंस है जो 3 BHK में नहीं मिल रहा है. आज के इस वीडियो में आप देखेंगे Ace Divino. समअप कर देता हूँ पूरे प्रोजेक्ट को इन लेस देन 20 सेकेंड. 10.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है. सेक्टर 1 इज़ द लोकेशन. 11 टावर्स हैं. इसके अंदर 2, 3 और 4 BHK की कैटेगरी है. पूरा जो प्रोजेक्ट है रिजॉर्ट थीम के ऊपर डिज़ाइन किया गया है. और इसके बाद यहाँ पर जो पेमेंट प्लान है, अगेन दैट्स अट्रैक्टिव. 30-70 का पेमेंट प्लान है एज ऑफ नाउ. नोएडा एक्सटेंशन के अंदर हमेशा से होम बायर्स के लिए एक चैलेंज ये रहा है कि यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर लोग इन्वेस्ट करने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं. और इसका एक लॉजिकल रीज़न ये है कि पास में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लॉन्च हुए लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाए. सो आज के टाइम में अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चूज़ कर रहे हैं देन एक सही डेवलपर को चूज़ करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है. बिकॉज अगर आपने गलत डेवलपर चूज़ कर लिया 10-15 लाख के पीछे तो आपकी जो मेजर अमाउंट है वो स्टक हो जाता है. सो इस सिनेरियो को कंसिडर करते हुए Ace Divino हैपन्स टू बी द बेस्ट एंड द ओनली प्रोजेक्ट विच इज़ सेफेस्ट. सेफेस्ट इसलिए बिकॉज फुली पेड अप प्लान है, SBI लोन कर रहा है. और इसके बाद कंस्ट्रक्शन यहाँ पर 24/7 चल रही है. आपने पास वीडियोज़ के अंदर भी चेंजेस देखे होंगे. तो गाइस यहाँ पर एक कॉमन मिथ है जो मैं दूर करना चाहता हूँ. बहुत सारे लोग मुझे साइट पे मिलते हैं और अक्सर ये कहते हैं कि हम आपकी वीडियो देख कर आए हैं. सो गाइस वीडियो हम इसलिए बनाते हैं बिकॉज वी आर प्रॉपर्टी कंसल्टिंग फर्म. और मैं अकेला नहीं हूँ इस टीम के अंदर, मेरे साथ विपिन और क्षितिज जी भी हैं. सो इन टोटल अगर हम बात करें तीनों के वर्क एक्सपीरियंस को कंबाइन करके तो 30 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है जो हम आपको देते हैं इफ़ यू टेक आर कंसल्टिंग सर्विसेज. सो यहाँ पर आप ये मत सोचिए कि वी जस्ट मेक वीडियोस. वी आर अ प्रॉपर्टी कंसल्टिंग फर्म और हमारे साथ पीछे एक रिसर्च टीम भी है जो आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी नीड्स को समझकर आपको एक एप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट रेकमेंड करती है. सो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है बिकॉज अगर आप अपने हिसाब से घर ढूंढने निकलेंगे देन देर आर ऑलमोस्ट एंडलेस प्रोजेक्ट. आप सारे प्रोजेक्ट्स को एक्चुअली में जाकर इन पर्सन विजिट नहीं कर सकते हैं. बट व्हेन यू टेक आर कंसल्टिंग सर्विसेज, मैं आपको बस एक ब्रीफ में ओवरव्यू दे रहा हूँ हाउ वी हेल्प यू. फर्स्ट वी अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट एंड योर नीड्स एंड बेस्ड ऑन योर फ्लोर प्रेफरेंस एंड बजट वी सजेस्ट यू 3 और 4 प्रोजेक्ट्स जो आपकी रिक्वायरमेंट और नीड से मैच करते हैं. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं एक प्रोजेक्ट है जो आपको पसंद है लेकिन वहाँ पर फ्लोर या वास्तु के हिसाब से चीज़ें अवेलेबल नहीं है, देन देर इज़ नो पॉइंट विजिटिंग दैट प्रोजेक्ट. सो यहाँ पर हमने आपका टाइम बचा दिया. पैसे कैसे बचते हैं? बिकॉज वी वर्क विथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. सो सेल्स हम जनरेट कर पाते हैं, इसकी वजह से हमारे पास एक बफर रहता है जो हम आगे आपको पास ऑन कर सकते हैं. सो गाइस पहला सैंपल जो आप देखेंगे इसका एरिया है 1565 स्क्वायर फीट. इट्स अ 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट. इस फ्लैट के अंदर स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो दोनों ही फ्लैट आपको रॉ स्टेट में मिलेंगे. द ओनली डिफरेंस इज फ्लोरिंग. लिविंग और डाइनिंग एरिया मोर और लेस दोनों का सेम ही है. द ओनली डिफरेंस इज गोइंग टू बी इन द लेआउट एंड द साइज एंड डायमेंशंस. सो फ्लोरिंग की अगर बात करें तो 3 BHK के अंदर आपको 2x4 की टाइल्स मिलती हैं. और वॉशरूम के अंदर जो फिटिंग्स होंगी वो सारी फ्लोर माउंटेड होगी. I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had to turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. They skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh my. अगर आपको लगता है 3 BHK आपकी फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटा लग रहा है, देन यू कैन ऑलवेज अपग्रेड टू 4 BHK। 4 BHK में जैसे ही आप अपग्रेड करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे एडॉन्स हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं टावर लॉबी से, तो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी फ्लैट नहीं है। सो 6 फ्लैट का जो एरिया है उसके अंदर इन्होंने एक तरह से मिनी क्लब हाउस बना दिया है। दूसरा अपग्रेड है यहाँ पर फ्लोरिंग का। 3 BHK में 2x4 की टाइल्स थी, 4 BHK के अंदर 4x6 की टाइल्स हैं। इसके बाद जो मेजर अपग्रेड ये है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 डायरेक्शन में बालकनी है और वॉशरूम के अंदर सब कुछ वॉल माउंटेड हो जाता है। सो गाइज, दिस इज़ द सेंट्रल रिसेप्शन लॉबी एरिया, 4 BHK टावर। सो 4 BHK में ग्राउंड फ्लोर पर कोई भी फ्लैट नहीं है। यहाँ पर पूरा जो एरिया है ग्राउंड फ्लोर पे, ये सेंट्रली एयर कंडीशन है। और अभी जो आप लॉबी एरिया देख रहे हैं, ये सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट पॉइंट है। सो प्रिवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक ही जगह से एंट्री और एग्जिट हो सकती है। सो दिस इज़ द वेटिंग लॉन्ज एरिया ऑन द ग्राउंड फ्लोर। सो इसमें जो चीज़ें अभी आप देख रहे हैं ये सारा एक्चुअल लॉबी का पार्ट है, इसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं है। सो दिस इज़ द लॉबी एरिया जहाँ पर आप अपने गेस्ट को वेट करवा सकते हैं। एक बहुत ही फैंसी लॉबी इन्होंने बनाई है। ग्राउंड फ्लोर पर कोई भी फ्लैट नहीं है, इसीलिए इस टावर के अंदर नीचे के जितना पोर्शन है इसको इन्होंने 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया है। सो अभी आपने देखा एक वेटिंग लॉन्ज एरिया, दिस इज़ द सेकंड जोन जहां पर इन्होंने पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो वर्क फ्रॉम होम का देने की कोशिश करी है, बिकॉज यहां पर प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट है। और इसके साथ साथ ये एक मल्टीपर्पज़ रूम है जिसको आप एज अ रीडिंग रूम या लाइब्रेरी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हर फ्लोर पे 6 फ्लैट्स हैं और 4 लिफ्ट का प्रोविज़न है। और लिफ्ट एरिया को भी इन्होंने बहुत अच्छे से ब्यूटीफाई कर रखा है विद ऑल द मॉडर्न शैंडलियर्स। सो यहाँ पर 3 लिफ्ट राइट में जो है, दीस आर पैसेंजर लिफ्ट, और लेफ्ट में है सर्विस एरिया। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये 3rd जोन है, जिसके अंदर इन्होंने अगेन स्टार्टिंग में एक वेटिंग लॉन्ज एरिया दिया है। और उसके बाद आगे की तरफ एक डे केयर फैसिलिटी या क्रेच का ऑप्शन देने की कोशिश की है। सो ये सारी एमिनिटीज़ जो अभी आप देख रहे हैं ये टावर के अंदर हैं। और इसके बाद ये है मल्टीपर्पज़ गेम रूम। तो इसमें आगे वाला जितना पोर्शन है इसके अंदर मल्टीपल गेम्स हैं। सो अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको ये सारी एमिनिटीज़ एक क्लब हाउस के अंदर मिलती है, बट एट एस डिवाइनो यू आर गेटिंग दिस फैसिलिटी विद इन द टावर लॉबी। इस वीडियो के अंदर आज आपने देखा 3 और 4 BHK का कंपैरिजन वीडियो। इसके साथ साथ आपने लास्ट अगर वीडियोस देखी होंगी एस डिविनो की, तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 3 एंड 4 BHK इन सेपरेट वीडियोस। सो लास्ट वीडियो से अगर आप कंपेयर करते हैं तो काम में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। आज की डेट में आप देख सकते हैं Phase 1 इज़ ऑलमोस्ट रेडी फॉर पोजेशन। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जितना भी लैंडस्केपिंग वाला पोर्शन है वो ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका है, और जो सेंट्रल ग्रीन एरिया है वो भी अब प्रोमिनेंटली दिखने लग गया है। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी भी बहुत सारी इन्वेंट्रीज बची हुई हैं, जो प्राइम इन्वेंट्रीज है बिल्डर ने आप खोली हैं। सो इसके अंदर 2 प्लस स्टडी, 3 BHK और 4 BHK तीनों के अंदर अब प्राइम इन्वेंट्रीज बची हैं। पेमेंट प्लान एस डिवेनो, हम लोगों ने न्यू पेमेंट प्लान लॉन्च किया है अभी रिसेंटली। तो पेमेंट प्लान इज़ 30-70, इट मीन्स कि 30% आपको विदिन अ मंथ देना है, दैन 70% एट द टाइम ऑफ पोजीशन, एंड एडिशनल चार्जेस भी आपको एट द टाइम ऑफ पोजीशन देने हैं। तो ये पेमेंट प्लान ही बहुत ही लिक्रेटिव है कस्टमर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जिनके पास 15, 20, 25 लाख 25 लाख रुपीस पड़ा हुआ है और वो फाइनेंस नहीं कराना चाहते बैंक से। तो वो सोचते हैं कि मैं सेल्फ ही करूँगा, बाकी का मेरी EMI स्टार्ट हो तो पोजीशन से स्टार्ट होनी चाहिए। तो 30% आप सेल्फ ही दे सकते हैं, इसमें से आप 10% सेल्फ दे के 20% लोन भी ले सकते हैं जिसकी ईएमआई भी बहुत कम जाएगी। तो ये पेमेंट प्लान कस्टमर्स को हमने फोकस करते हुए, देखते हुए और प्रीमियम इन्वेंट्री ओपन करते हुए, जो क्लाइंट्स देख रहे हैं कि मुझे सन फेसिंग फ्लैट चाहिए, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग चाहिए, बालकनी मेरी सन की तरफ ओपन होनी चाहिए, तो उस तरीके से हमने प्रीमियम इन्वेंट्री ओपन किए विद द पेमेंट प्लान ऑफ 30/70। यहाँ पे ना क्लाइंट का जो इंटरेस्ट है उसको बहुत ज़्यादा सेफ गार्ड किया गया है, बिकॉज एज ऑफ नाउ अभी जो करंट पेमेंट प्लान है वो 30/70 का है। तो नोएडा एक्सटेंशन में नॉर्मली पुराने टाइम पे क्या होता था, 90% पैसा स्ट्रक्चर कंप्लीशन तक ही ले लिया जाता था, उसके बाद बिल्डर का आता पता नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम में भी अगर बहुत सारे लोग हैं जो एक रेडी टू मूव इन घर लेना चाहते हैं बट अंडर कंस्ट्रक्शन में नहीं देना चाहते हैं, देन दिस पेमेंट प्लान इज़ फॉर यू गाइज, बिकॉज यहाँ पर आपका जो पैसा है वो सिर्फ 30% ही जा रहा है। अगेन 30% में भी आप चाहें तो 10% ही खुद देना है, 20% आप बैंक लोन करवा सकते हैं, बाकी मेजॉरिटी जो पेमेंट है 70% वो देना है आपको ऑन ऑफर ऑफ पोजेसन। इसके बाद जो अदर चार्जेस हैं अगेन दैट्स पेबल एट द टाइम ऑफ पोजेसन। सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है बहुत उन सारे लोगों के लिए जो अगर आप लोन भी करवाते हैं तो 20% तो अगेन आपको सेल्फ फंडिंग करनी होती है। तो अगर यहाँ पर आप एडिशनल 10% फंडिंग खुद कर सकते हैं तो अगेन आपका जो EMI और इंटरेस्ट का कॉम्पोनेंट है टिल पोजीशन वो भी आप सेव कर सकते हैं। एंड पोजीशन हमारा जून से स्टार्ट हो रहा है, जून से लेके नेक्स्ट ईयर मार्च तक पोजीशन है, टावर वाइज हम लोग पोजीशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो आपको ऑलरेडी अगर आप विजिट करते हैं यहाँ पर तो आपको नज़र आने लगेगा कि प्रोजेक्ट हाँ सेफ में है, पोजीशन होने वाली है, आप खुद भी फील करेंगे पैसे बिल्डर के यहाँ पर 100% सेफ एंड सिक्योर हैं। तो आप पूरा ट्रस्ट करके यहाँ पर अपना अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं और बुक करने के लिए हम लोग अवेलेबल हैं यहाँ पर। हम लोग अपना नंबर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डालते हैं तो आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप गूगल से भी देखिए, हमारे यूट्यूब से तो आप देखते ही हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हम लोगों को साइट पर मिलते हैं, हमने आपका वीडियो देखा था। तो हमारे यहाँ पर ना ऑलरेडी डेवलपर से टाई अप्स होता है, तो एक बार आप हमसे भी ज़रूर बात करें। और ये जो नंबर हम प्रोवाइड कराते हैं सिर्फ आपके लिए है, और आप डेफिनेटली एक बार कॉल ज़रूर करें इस नंबर पर, कहीं भी आप बात करो, एक बार हमसे भी बात करो ज़रूर आप। एंड यूज़र चाहता है कि मुझे फ्लैट चाहिए, रेडी टू मूव इन फ्लैट चाहिए, मेरे पसंद का फ्लैट चाहिए, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हर एंड यूज़र चाहता है क्योंकि वो उसका एक ड्रीम हाउस होता है कि मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, आई एम स्पेंडिंग अराउंड 1 CR और 1.5 CR और समथिंग विच एवर अमाउंट ही इज़ इन्वेस्टिंग, दैट इज़ अ वेरी हार्ड एन अमाउंट। सो उसका एक ड्रीम हाउस होता है कि मेरे को फ्लैट चाहिए, अपने पसंद का फ्लैट चाहिए, मुझे इस फेसिंग का फ्लैट चाहिए, मुझे इस फ्लोर पर चाहिए। वो प्रॉब्लम है मार्केट में, आप कहीं पे भी जाते हो आपको अपने पसंद का फ्लैट नहीं मिलता अगर आप इंटरेस्टेड हो किसी रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि बुकिंग्स होती है, बुकिंग इनिशियल डे से स्टार्ट होती है, जो भी अवेलेबिलिटीज़ होती है वो इनिशियल डे में चीज़ें निकल चुकी होती हैं, सोल्ड आउट हो चुकी होती हैं। बट यहाँ पे इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग अ मनी, सो आप अपने पसंद का फ्लैट यहाँ पे पा सकते हो, दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपने जितना पैसा खर्च किया आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ मेरे को ये फ्लैट चाहिए था, पार्क फेसिंग फ्लैट चाहिए था, धूप वाला फ्लैट चाहिए था, मुझे 8 to 10 फ्लोर के बीच में चाहिए था, तो वो मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफ़िल होती। मुझे ऐसा नहीं लगे कि मैंने यार 1 करोड़ रुपए खर्च किया और मुझे एक ऐसा फ्लैट मिल रहा जो मुझे पसंद नहीं है, बट हाँ सोसाइटी अच्छी है, सारी चीज़ अच्छी है, बट मेरे को फ्लोर में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में आप कहीं पर भी फ्लैट खरीदोगे तो आपको वहाँ पे ये प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा, या तो आपको अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी आपके पसंद की, या तो फिर आपको वो प्रोडक्ट में आपको वेट करना पड़ेगा, या वो प्रोडक्ट जो होगा वो अपार्टमेंट्स होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा जो आपको सूट करता हो, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बट दिस इज़ द प्रॉपर्टी, आप यहाँ पैसा एक अच्छा पैसा इन्वेस्ट करते हो और ये प्रॉपर्टी बहुत प्रीमियम सेगमेंट की प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है। ऑलरेडी हमने वीडियो में शेयर किया हुआ, आप एक बार साइट पर आइए, आपको समझ में आएगा कि हाँ दिस इज़ समथिंग डिफरेंट प्रॉपर्टी। जो आप नोएडा एक्सटेंशन में अगर आप विजिट किया है तो आपको आइडिया लग जाएगा दिस इज समथिंग वेरी प्रीमियम सेगमेंट ऑफ प्रोडक्ट। सो यहाँ पे आपको सारी रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल होती है, आप पैसा इन्वेस्ट करिए। इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ साइट विजिट, हम तीनों के नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, इनफैक्ट स्क्रीन पर भी चल रहे हैं। सो गिव अस अ कॉल 1 day इन एडवांस सो दैट वी कैन स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट्स। इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज क्लिक ऑन द रेड कलर सब्सक्राइब बटन। आज के लिए बस इतना ही, विल सी यू गाइस टुमारो, सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।